अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सभापति महोदय, इस देश में जीडीपी की बड़ी बात चलती है। जीडीपी 1934 में आया, इसके पहले कोई जीडीपी नहीं था, पूरी दुनिया में कोई जीडीपी नहीं था। और जीडीपी के जो प्रतिपादक थे अमेरिका, 1913 तक वहां कोई टैक्स नहीं था। पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर जो आज बसा हुआ है वो सब ब्लैक मनी पर बसा हुआ है। जितनी यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, नई यूनिवर्सिटी को छोड़कर मैं पुरानी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जो जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया उन्हीं लोगों ने उस अमेरिकन यूनिवर्सिटी को बनाया। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब जीडीपी 1934 में आया तो जो सिमोन कज़नेट, जिन्होंने की जीडीपी बनाया, जिनके कारण की ये जीडीपी आया, जिनको की इस कमिटी का अध्यक्ष बनाया था, मैं उन्हीं का भाषण जो है पढ़ रहा हूं, उनका कोट पढ़ रहा हूं, क्योंकि जीडीपी के ऊपर यहां बहुत चर्चा होती है और मुझे पता है कि जब यह चर्चा होने लगेगी टैक्सेशन पर तो मैक्सिमम लोग जीडीपी की ही बात करेंगे। उन्होंने कहा कि द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन इन नेशनल इनकम आर स्टिल टू बी डिफाइंड एंड ए नंबर ऑफ अदर सर्विसेस इन एडिशन टू दोज लिस्टेड अबव माइट ऑल्सो बी कंसिडर्ड ए प्रॉपर पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमीज एंड प्रोडक्ट। ही वेंट ऑन टू लिस्ट सर्विसेस ऑफ हाउसवाइफ्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, रिलीफ एंड चैरिटी, सर्विसेस ऑफ ओन्ड ड्यूरेबल गुड्स, अर्निंग फ्रॉम ऑड जॉब्स एंड अर्निंग फ्रॉम इलीगल परस्यूट्स अमंग अदर्स। ही स्टेटेड रीजन फॉर एक्सक्लूडिंग दिस थिंग्स फ्रॉम द जीडीपी एंड ही सेड the valuable capacity of human mind to simplify a complex situation in a compact characterization becomes dangerous when not controlled in terms of definitely stated criteria with quantitative measurements, especially the definiteness of the results suggests often misleadingly। ye Katnej sahab ne kaha ki gdp ko hi keval bible maan lena, ramayan aur mahabharat maan lena satya nahi hai और फ्यूचर में जीडीपी का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। और इससे आगे मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, कैनेडी ने 1968 में, दादा ये आपकी जानकारी के लिए कि जीडीपी का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, मैं कैनेडी का मार्च 18, 1968 का जो है स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कि आवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट काउंट्स एयर पॉल्यूशन एंड सिगरेट एडवर्टाइजिंग एंड एम्बुलेंस टू क्लियर आवर हाईवेज ऑफ कार्नेज। इट काउंट्स स्पेशल लॉक्स फॉर आवर डोर्स एंड द जेल्स फॉर द पीपल हु ब्रेक देम। इट मेजर्स नेदर आवर विट नॉर आवर करेज, नीदर आवर विजडम नॉर आवर लर्निंग। ये जीडीपी के बारे में कहा है कैनेडी ने 1968। रॉबर्ट ऑफ कैनेडी स्पीच एट यूनिवर्सिटी ऑफ कनास मार्च 18, 1968। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड ही वॉज द हेड ऑफ दिस जीडीपी इन अमेरिका। अमेरिका फॉर्म द कमिटी इन 19। सर जब वो बोलने के लिए खड़े हो तो उसका जवाब दे दें सर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट रॉबर्ट कैनेडी इज रिलीवेंट बिकॉज ही वॉज हेड ऑफ जीडीपी इन अमेरिका इन 1968। अमेरिका फॉर्म द कमिटी फॉर जीडीपी, सो दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग हिम। सो इट मेजर्स नाइदर आवर विट नॉर आवर करेज। और इसके बाद दुनिया में, प्लीज मैं हिंदुस्तान में ही आ रहा हूं, दुनिया में क्या हो गया कि आज की जो नई थ्योरी है सर, आज की नई थ्योरी है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर आम आदमी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीडीपी से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैप्पीनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यही 1989 से लेके दिल्ली एंड गॉब जो कि इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं और जिसके आधार पर कि भूटान ने हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है सर,
और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सरकार आने के बाद सभी गांव में शौचालय सभी गरीबों के बने या नहीं बने? लोगों को एक रुपया किलो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2022 तक सबों को मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सभी घरों में 2024 तक ये सरकार का टारगेट है कि नहीं, पीने का पानी मिलेगा? आयुष्मान भारत में सभी गरीबों को इंश्योरेंस कवर 5 लाख का फैमिली में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिजली सभी घरों में लग गया कि नहीं लग गया? सभी घरों में गैस चूल्हा लगा कि नहीं लगा? और यही एक थ्योरी है सर, जो कि नई थ्योरी है, जिसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। इसीलिए जो जीडीपी की थ्योरी है, जीडीपी जिसने बनाया कटने, उसको भी जीडीपी के ऊपर विश्वास नहीं था, और अमेरिका जिसने इसके ऊपर लाया, ये जीडीपी जो है, हम आम गांव गरीब किसान महिला को सुविधा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? इसीलिए जो भी लोग जीडीपी की थ्योरी की बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? सबका साथ सबका विकास में मोदी जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, और यही सत्य है। नाउ निशिकांत जी, कम टू द बिल। नाउ यू प्लीज कम टू द बिल। सर